यस एवरी वन, वेलकम्स यू ऑन एकलव अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द रिलीजन्स। हाउ मैनी रिलीजन्स इन इंडियन हिस्ट्री। तो आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, जिसमें बेसिक जो टॉपिक्स हैं रिलीजन से जुड़े हुए, कि कौन कौन से रिलीजन इंडिया में डोमिनेंट रखते हैं, इसके अलावा कौन कौन से रिलीजन से कौन कौन सा गॉड रिलेटेड है, साथ ही साथ इनके इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, केव्स हैं, चर्च हैं, गुरुद्वाराज हैं, कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड है इंडिया में। तो फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले हिंदू रिलीजन को कवर करेंगे, आफ्टर इट अदर जो रिलीजन्स हैं उनके बारे में रेगुलरली क्लासेस डाली जाएगी आपको। तो देखिए, पहला सबसे पहला टॉपिक आता है आपका हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ओल्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें हमारे सामने जो हिस्ट्री आती है इंडिया की, वहाँ हम स्टार्ट करते हैं इसको वैदिक लिटरेचर से। लेकिन वैदिक लिटरेचर का जो टाइम पीरियड है वो आज के हिसाब से तो हम थोड़ा अलग मानते हैं, 1500 BC के आसपास से मानते हैं। लेकिन अगर बिफोर पहले बात करें तो लगभग 1 millennium BC के आसपास से हिंदुइज्म का इतिहास स्टार्ट होता है। तो जो प्रोमिनेंट सेक्ट्स हैं हिंदू में वो लगभग 4 के आसपास हमको दिखेंगे, 4 सेक्ट्स दिखेंगे, जिसमें एक तो सुप्रियर गॉड विष्णु के बारे में होगा, दूसरा होगा सुप्रियर गॉड ऑफ शिवा, इसके अलावा शाक्त रिलीजन से जुड़ा होगा, जितने भी गॉडेस हैं उनसे रिलेटेड होंगे, इसके अलावा पुराणों की स्टडी होगी। और इस प्रकार से हम इसको 4 भागों में बांट के स्टडी करते हैं। इनके इंपॉर्टेंट टेम्पल्स जो हैं इंडिया में हर जगह आपको मिलेंगे। इंडिया के अलावा अगर अब्रॉड में देखें तो नियर बाई जो कंट्रीज़ हैं, कंबोडिया, थाईलैंड है, नेपाल है, इसके अलावा श्रीलंका है, पाकिस्तान है, मोस्टली कंट्रीज़ में भी हिंदुइज्म के हमको टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में, जिनमें इंडिया में विशेष रूप से कौन कौन से रिलीजन हमको देखने को मिलते हैं। तो इंडिया वाले जो कुछ इम्पॉर्टेंट रिलीजन्स हैं उनमें एक तो आता है आपका हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट ही आगे चलकर कई रिलीजन में कन्वर्ट होता है। अगर हम स्टार्टिंग करें वैदिक लिटरेचर से तो लगभग 1500 BC के आसपास से हमारे यहाँ पे वैदिक लिटरेचर शुरू हो जाता है। और वैदिक लिटरेचर 1500 BC से लेकर और 600 BC तक चलता है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि जो वेदों में लिखा हुआ था उसको लगभग 900 ईयर तक लोग मानते रहे। फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगी कि सनातन रिलीजन के अगेंस्ट कुछ नए आइडियोलॉजीज आती, तो 600 BC के आसपास इसी सनातन रिलीजन में से हमें दो पार्ट देखने को मिल जाते हैं। एक तो मिलेगा आपको जैनिज्म और एक दूसरा मिलेगा बुद्धिज्म। ये दोनों के दोनों जो रिलीजन्स नए बने, नए आइडियोलॉजीज बनी, वो सनातन से रिलेटेड ही है। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि सनातन जो रिलीजन था वो 600 बीसी तक आते आते लगभग दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और एक पार्ट इसका जो ओल्ड पार्ट है वो रेगुलरली चलता होता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि सनातन रिलीजन 3 भागों में हो गया, जैनिज्म में हो गया, बुद्धिज्म में हो गया, और एक ओल्ड वाला जो वैदिक रिलीजन था वो रेगुलरली चल रहा था। लेकिन जब नई न्यू आइडियोलॉजी आती सोसाइटी में तो मोस्टली जो पीपल्स हैं वो न्यू आइडियोलॉजी के पीछे ही जाते हैं। तो इस समय हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डाउन होने लगता है और जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो फिलॉसफी है वो थोड़ी आगे बढ़ने लगती है। गौतम बुद्धा का इतिहास और महावीर स्वामी का इतिहास जब तक रहता है तो दोनों आइडियोलॉजी बहुत ही टॉप पे होती है। लेकिन लेटर ऑन हमें देखने को मिलता है कि यही सनातन रिलीजन जो था वो लगभग 5th AD के आसपास, 5th century AD के आसपास आके और वापस से ये दो भागों में बढ़ जाता है, जिसमें एक वही ओल्ड वाला सनातन चलेगा और दूसरा वाला जो चलेगा इसमें सिखिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट्स जो रिलीजन है वो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसी से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ये आइडियोलॉजी कनेक्टेड होती है। तो इसमें हम एक तो वैदिक लिटरेचर वाला रिलीजन पढ़ेंगे जिसको हिंदुइज्म के नाम से जाना जाएगा। वैसे हिंदुइज्म कहना थोड़ा सा आज के समय में सही नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म एक ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि जो रिलीजन है वो तो ब्राह्मणिज्म रिलीजन है। ब्राह्मणिज्म रिलीजन को हम सनातन रिलीजन के नाम से भी जान सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो आइडियोलॉजी है, हिंदुइज्म की जो आइडियोलॉजी है
वो आपको जैनिज्म में भी देखने को मिलेगी, बुद्धिज्म में भी देखने को मिलेगी और सिखिज्म में भी देखने को मिलेगी। तो हम यूं कह सकते हैं कि वैदिक जो रिलीजन है वो आज हमें चार अलग अलग पार्ट में देखने को मिलता है, जैनिज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म। ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजन है, सबसे ज्यादा जो फॉलोवर्स है वो हिंदुइज्म के ही है। इसके बाद हमको दूसरा जो रिलीजन है तो देखने को मिलेगा इस्लाम। हिंदुओं के बाद जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में या फॉलोइंग है वो इस्लाम की है। इस्लाम के बाद आता है क्रिश्चियनिटी का, क्रिश्चियनिटी के बाद आता है आपका जुडाइज्म का, और इसके बाद आता है आपका जोरास्ट्रिज्म का। मतलब ये है कि जो आपका जैनिज्म है और जो आपका बुद्धिज्म है, इसके अलावा सिखिज्म है, ये तीनों के तीनों पार्ट हैं आपके हिंदुइज्म के। लेकिन आज ये चारों के चारों अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग सबका हिस्ट्री है। लेकिन अगर एंशंट हिस्ट्री को उठा के हम देखें तो ये हिंदुइज्म के ही पार्ट है। तो देखो, सबसे पहले हम इस हिंदुइज्म को पढ़ेंगे, इसके बाद सिखिज्म को, जैनिज्म को और बुद्धिज्म को पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला स्टार्ट होता है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में अगर ओल्ड हिस्ट्री को उठा के देखें तो हमारे पास चार युगों का नाम आता है, फोर युगों का नाम आता है, जिसमें आपका स्टार्ट होता है सतयुग से, कि पहला युग जो था वो सतयुग था। सतयुग में जो इंपॉर्टेंट गॉड है उनकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज होती है, जैसे लॉर्ड शिवा एंड विष्णु एंड ब्रह्मा, तीनों की जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज होती है वो सतयुग में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में इस बार भगवान श्री राम की कहानी जुड़ जाती है। भगवान श्री राम का पूरा जो हिस्ट्री है वो त्रेता युग में देखने को मिलता है। इसके बाद तीसरा युग आता है हमारे सामने, द्वापर युग। द्वापर युग में भगवान कृष्ण की कहानी जुड़ती है और टोटल स्टोरी कृष्ण से जुड़ जाती है। और अब जो चौथा युग चल रहा है वो कलयुग है। ऐसी मान्यता है हिंदुइज्म में कि कलयुग में भी एक ऐसा कार्नेशन होने वाला है, एक ऐसा अवतार होने वाला है, कल्कि के नाम से होगा, और ये भी एक गॉड का ही पार्ट होगा। यानी भगवान जो विष्णु है अलग अलग टाइम पे कार्नेशन लेते हैं, जो अलग अलग अवतार लेते हैं, उसमें 10वें नंबर का अवतार हमें कलयुग में देखने को मिलेगा। तो ये हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट है कि हम चार बड़े बड़े युगों के माध्यम से इसकी हिस्ट्री को समझते हैं, जिसमें सतयुग से स्टार्ट होके और आज हम कलयुग में आ गए हैं। कलयुग की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि जो किंग परीक्षित थे कुरुकुल के, उन्होंने एक सन्यासी के गले में एक स्नेक डाल दिया था और वहां से जो उनको श्राप मिला, उसके बाद से कलयुग की स्टार्टिंग मानी जाती है। कहना मुश्किल है कि कलयुग कब तक चलेगा, लेकिन जो रिलीजन की हिस्ट्री है उसके बेसिस पे कलयुग का टाइम बहुत लंबा टाइम है। चलिए, तो ये आपके सामने हुआ चार युग, कि हिंदुइज्म में चार युग आपको देखने को मिलेंगे। चार युगों में अलग अलग गॉड की स्टोरी है, जिसको हमने अभी एक्सप्लेन किया है। इसके बाद सवाल ये उठता है कि ये आखिर कितने ओल्ड हैं, कितने पुराने हैं। तो इसमें देखो, जो सतयुग है, त्रेता युग है, कृत युग है, कृत युग को अगर हम सोलर ईयर के हिसाब से देखें तो ये काफी पुराने समय की बात करता है। कृत के बाद त्रेता का नाम आता है, क्योंकि एक जब युग खत्म होता है तो पूरी की पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाता है। उसके बाद एक न्यू युग आता है, एक नए युग का प्रारंभ होता है। तो ये चार युगों का अगर हिस्ट्री उठाएं तो पूरे के पूरे सोलर ईयर के हिसाब से बहुत ही ओल्डेस्ट हमको देखने को मिलता है, जबकि वैदिक लिटरेचर जो है वो 1500 BC के आसपास का है। तो देखिए, इसके बाद हमारा जो सनातन रिलीजन है, अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म के बारे में हमें कहाँ कहाँ पे इसके एविडेंस मिलते हैं। तो सबसे पुराना जो एविडेंस है हिंदुइज्म का वो वेदाज है, और वेद हमारे पास चार वेद हैं। हालांकि फोर वेदाज में से जो ओल्ड वेदाज है उसका नाम तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही आगे चलकर तीन और वेद बनते हैं, थ्री और पार्ट में डिवाइड हो जाता है, और ऐसा एक ऋषि करता है जिसका नाम है वेद व्यास। अगर वेदों की बात करें तो वेदों को कंपाइल करने का काम भी वेद व्यास को दिया जाता है, क्योंकि वेद लिखे किसने, ऐसी मान्यता है कि वेद तो गॉड ने लिखे। गॉड के दो जो मैसेज थे वो वेदों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो वेदों में हमारे पास चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा हिंदुइज्म में दूसरा जो टॉपिक है वो उपनिषद का है। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक संस्कृत का वर्ड है जिसमें दो वर्ड शामिल हैं, दो वर्ड शामिल है इसमें, एक आएगा उप और दूसरा आएगा निषद। उप का मतलब होता है नियर, कि नजदीक, और निषद का मतलब होता है सिटिंग, कि नजदीक बैठ के
टीचर के नजदीक बैठ के जो भी नॉलेज गेन किया स्टूडेंट ने, दैट इज कॉल्ड उपनिषदास। तो उपनिषद टोटल 108 के आसपास उपनिषद है। अगर हिंदुइज्म की फिलॉसफी को समझना हो तो उपनिषदों को पढ़ना बहुत बेहतर होगा, क्योंकि वेदाज में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका एग्जैक्ट मीनिंग निकालना मुश्किल होता है, जबकि उपनिषदों में सारे के सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस दिए हुए हैं अलग अलग फ्रेमिंग में दिए हुए हैं। उपनिषदों के अलावा हमारे पास दूसरा जो सोर्स आता है वैदिक लिटरेचर में, वो आता है आरण्यक। आरण्यकों को फॉरेस्ट बुक के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट बुक ये फॉरेस्ट में कंपाइल की हुई है। जो इम्पॉर्टेंट टीचर्स थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इनको कंपाइल किया है। ऐसा ही एक नाम आता है रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत ये दो दो एपिक हैं, दो बड़े महाकाव्य हैं, जिनमें एक में गॉड राम से जुड़ी हुई स्टोरीज हैं और दूसरे में गॉड कृष्णा से जुड़ी हुई स्टोरीज हैं, जिसमें कौरव और पांडवों के बीच जो बैटल होता है कुरुक्षेत्रा में, उसकी पूरी डिटेल डिटेल एनालिसिस हमको मिल जाता है। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है पुराणाज। पुराण जो है इसमें पुराने सारे के सारे गॉड को स्पेशलाइज रूप फॉर्म में दिखाया गया है। सबसे ओल्ड जो पुराण है वो मत्स्य पुराण को माना जाता है, इस प्रकार से वायु पुराण है, इसी प्रकार से शिव पुराण है, विष्णु पुराण है। देयर आर 18 पुराण्स इन वैदिक लिटरेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा रिलीजन है उसको आज अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अलग अलग पार्ट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, वेदों के अलावा उपनिषद भी मिल जाते हैं, और बाकी के सारे जो सोर्स हैं वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं हिंदुइज्म को। तो देखो इसमें अगर हम बात करें ऋग्वेद, तो ऋग्वेद को सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है। पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद के कंटेम्प्रेरी टाइम में एक ईरान में वेद था, ईरान में एक बुक थी जिसका नाम था जैन अवेस्ता। कुछ वर्ड्स या कुछ हम ये कह सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन जैसे ऋग्वेद में है वैसे जैन अवेस्ता में मिलती है। तो इसका एक हमें सोर्स मिल जाता है कि शायद जो आर्यन आए इंडिया में वो शायद ईरान की साइड से आए होंगे, मे बी ऐसा देखने को मिल जाता है, क्योंकि आइडियोलॉजी दोनों की सेम होती है। ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र हैं, लगभग 10580 के आसपास मंत्र हमको देखने को मिल जाते हैं। ये अलग अलग सुक्ताज में डिवाइड है, अलग अलग इसमें मंडल्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसके अलग अलग पार्ट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे मंत्र देखने को मिलते हैं। तो सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद है। इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास सामवेद। सामवेद में मोस्टली जो है म्यूजिक से रिलेटेड सारे के सारे वर्सेज हैं। म्यूजिक से रिलेटेड सारे वर्सों को जो ऋग्वेद में थे उनको अलग से वेदव्यास ने कंपाइल करके सामवेद में रखा और एक नया वेद बनाया सामवेद। इसी प्रकार से कुछ ऐसे वर्सेज थे जो यज्ञ से जुड़े हुए थे, तो उनको अलग से कंपाइल किया और एक नया वेद बना हमारे सामने, वो आता है यजुर्वेद। इसी प्रकार से कुछ जो लोकल पीपल्स की प्रॉब्लम्स होती है, कोई सिक या इलनेस का प्रॉब्लम्स होता है, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मंत्र बनाए गए, उन मंत्रों को अलग से कंपाइल किया और हमारे सामने वेद आया अथर्वेदा। तो हम ये कह सकते हैं कि चार जो वेद हैं, फोर जो वेदाज हैं, उनकी अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग सब में बातें मेंशन की हुई है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। ये फोर वेदाज हैं और इन फोर वेदाज का जो मेन लैंग्वेज है वो संस्कृत है। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वेद जो लिखे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे, लेकिन स्टार्टिंग टाइम में ये स्क्रिप्ट ना होने के कारण बहुत लंबे समय तक सुन के और आगे प्रोसेसिंग में रहे, यानी एक जनरेशन ने उसको लर्न किया और उसको अगली जनरेशन तक उसको फॉरवर्ड किया, और ऐसा लगभग 1500 ईयर्स तक चलता रहा जब इंडिया में नई स्क्रिप्ट बनती है, जब पहली बार वेदों को लिखा जाता है। तो वेद जिस लैंग्वेज में लिखे गए वो संस्कृत लैंग्वेज में है, और इसी प्रकार से उपनिषद भी संस्कृत में लिखे जाएंगे, पुराणाज भी, रामायण भी, महाभारत भी, टोटल जो वैदिक लिटरेचर है और कंपाइल्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। इसके अलावा हमें कुछ ये देखने को मिलता है वेदों में कि इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या मिल जाती हैं। तो ऋग्वेद में हमारे सामने दो स्पेशल मंडल आते हैं, एक तो थर्ड मंडल आता है। थर्ड मंडल को कंपाइल करने वाले ऋषि का नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने एक मंत्र बनाया था जिसका नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र डेडिकेट है सन गॉडेस सावित्री को। ये गायत्री मंत्र उन्होंने क्यों बनाया था, तो उसका एक रीजन माना जाता है कि जो नॉन आर्यन पर्सन्स थे, यानी जब आर्य इंडिया में अटैक करके इंडिया में आए, तो इंडिया के कुछ नेटिव पीपल्स थे जिनको उन्होंने नॉन आर्यन पर्सन्स कहा कि नॉन आर्यन पर्सन को अगर कन्वर्ट करके आर्य बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र को पढ़ना पड़ेगा, और गायत्री मंत्र
सन गॉडेस सावित्री को समर्पित है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से रिलेटेड है, तो आपको आंसर देना होगा ऋग्वेद। ठीक इसी प्रकार से अथर्ववेद से जुड़े हुए हमारे पास एक दो उपनिषद हैं, जिनमें एक उपनिषद का नाम आता है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद का एक वर्ड बहुत ही फेमस हुआ है, उसका नाम है सत्यमेव जयते। ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन भी, कि सत्यमेव जयते कहाँ से हमने लिया गया है। तो सत्यमेव जैसे देते मुंडको उपनिषद से लिया है, और मुंडको उपनिषद इज रिलेटेड टू अथर्वेदा, तो दोनों अलग अलग वेदों की बातें हैं। इसी प्रकार से हमें कुछ और स्पेशल बातें देखने को मिलती है वेदों में। कुछ इंपॉर्टेंट ऋषियों का नाम दिखता है, जिसमें एक तो महर्षि वेदव्यास का नाम आता है जिसने वेदों को कंपाइल किया था, और इसी प्रकार से एक दूसरे ऋषि का नाम आता है महर्षि वशिष्ठ का। इसी प्रकार से ऋषि अत्रेय का नाम आता है, और नारद का नाम आता है, विश्वकर्मा ऋषि का नाम आता है। तो बहुत सारे ऋषियों ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने मेडिटेशन के हिसाब से, कंसंट्रेशन के हिसाब से कुछ नई नई इन्वेंशंस किए जिनको वेदों में कंपाइल किया गया। अब देखो इसमें उपनिषदों की स्टोरी थोड़ी अलग है, वेदों की स्टोरी अलग है, आरण्यक की स्टोरी अलग है, और इसके साथ ही साथ जो पुराण है उनकी कहानी थोड़ी अलग है। जितने भी हमारे पास हिंदुइज्म में अलग लिटरेचर मिलता है, सबकी कहानी डिफरेंट डिफरेंट है। इसके अलावा अगर हम ये देखें आज के टाइम पे, टुडे हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, तो एक पार्ट आता है आपका वैष्णविज्म। तो इसको अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, फोर सेक्ट अबाउट हिंदुइज्म।